दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय एक्स्ट्रा एज फिटनेस। नमस्कार, मैं प्रकाश शुंगलवार, महाराष्ट्र टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं नागपुर की कुछ अहम खबरें। खेल मंत्रालय खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को निखारने के खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट द्वारा लगातार काम कर रहा है, लेकिन शहरों से लगातार गांव तक जमीनी स्तर पर काम किए बिना खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार नहीं हो सकता। इसलिए देश भर फिट इंडिया मूवमेंट के तहत यूथ क्लब बनाकर खिलाड़ियों को तैयार कर उनकी प्रतिभाओं सामने लाने का काम करेगा। ऐसी बात आज संवाददाता सम्मेलन में स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट वीवी के कुलपति और फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा इन्होंने कही है। सबसे पहले मैं मैत्री परिवार संस्था का बहुत ही आभारी हूँ कि जिन्होंने शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी 5 तज्ञ हैं उनका एक सत्कार समारंभ का आयोजन किया था और फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के इन तज्ञों का, इन महानुभावों का स्वागत और उनका सत्कार समारंभ में हमने हिस्सा लिया। और आज परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन के अवसर पे फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते एक नागपुर यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों के साथ फिट इंडिया मूवमेंट का एक कार्यक्रम भी किया और फिट इंडिया यूथ क्लब नागपुर यूनिवर्सिटी संलग्न सभी कॉलेजेस में उसकी स्थापना हो और फिट इंडिया यूथ क्लब के अंदर परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्पना दी है कि फिट इंडिया एक जन आंदोलन बने, फिट इंडिया मूवमेंट घर घर तक पहुंचे और हमारे 135 करोड़ सभी भारतीय भाई बहन उसमें हिस्सा लें, अपने आप को स्वस्थ रखें, कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला करें और तन मन से स्वस्थ होके सात्विक आहार ले और अपने जीवन को आगे बढ़ाए। इसी उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पे आए हुए हैं और मैं अपने आप को बहुत ही धन्य महसूस करता हूँ कि जैसे गंगा स्नान के बाद आदमी पवित्र हो जाता है, वैसे नागपुर की इस पवित्र भूमि में हमने नागपुर का पानी पी के नागपुर की भूमि को चरण स्पर्श करके हम धन्य अनुभव कर रहे हैं और स्पोर्ट्स के माध्यम से हमें एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की संकल्पना भी सब युवाओं को आज हमने प्रेरित किया है और नए भारत के निर्माण के लिए और एक अखंड भारत के निर्माण के लिए और जड़ से जुड़े रहकर आसमान की ऊंचाइयों को कैसे छुए उसके लिए सनातन भारत को एक आधारशिला के रूप में देखते हुए और प्राचीन भारत और अर्वाचीन भारत के बीच एक जोड़ती कड़ी के रूप में स्पोर्ट्स को माध्यम बनाते हुए आज हम नागपुर में आए हुए हैं और तहे दिल से मैत्री परिवार का हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं और आज सभी को और परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके दीर्घायुष्य मिले और भारत देश का नाम और ऊंचा करें और स्वस्थ रहें। गुरुवार की शाम 7:30 बजे के दौरान काटोल निवासी जीवन जुमना के अपनी बहन से मिलने अजनी जा रहे थे, तभी गाड़ी टर्न लेते वक्त स्लिप होकर सुरक्षा दीवार से टकरा गई और पुल के नीचे जा गिरे, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सदर फ्लाईओवर पर गुरुवार की शाम काटोल निवासी जीवन जुमना के अपनी बहन से मिलने के लिए अजनी आ रहा था। काटोल रोड से आरबीआई चौक की तरफ आ रहे फ्लाईओवर के वाई पॉइंट के टर्निंग पर जीवन का नियंत्रण बिगड़ गया। वाहन सीधे सुरक्षा दीवार से जा भिड़ा। टक्कर लगने की वजह से जीवन दीवार से उछलकर सीधे नीचे आ गिरा। बुरी तरह जख्मी होने के कारण स्थानीय नागरिकों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। खबर मिलते ही सदर के थानेदार विनोद चौधरी अपने दल के साथ मौके पर पहुंचे। तुरंत जीवन को मेयो अस्पताल ले जाया गया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि जीवन ने हेलमेट भी पहन रखा था, लेकिन बेल्ट नहीं बंधा होने के कारण हेलमेट सिर से निकल कर गिर गया। पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर जांच आरंभ की। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण के 50% सीमा तय किए जाने के बाद से ओबीसी समाज का राजकीय आरक्षण धोखे में आने की बात करते हुए डॉक्टर बबन राव तायवाड़े इन्होंने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ से इस्तीफा देने की घोषणा पत्र परिषद लेकर की। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद ओबीसी आरक्षण का मुद्दा यह राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में न रहते हुए केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में जाता है। मात्र केंद्र सरकार ही संविधान संशोधन कर 50% से आरक्षण सीमा बढ़ाकर ओबीसी का 27% आरक्षण सुरक्षित रख सकता है। यह
बात उन्होंने कही तो वही ओबीसी जनगणना, संविधान संशोधन और सुप्रीम कोर्ट की 50% आरक्षण सीमा रद्द करने की मांग उन्होंने की। मांग पूरी न होने पर राज्यव्यापी तथा देशव्यापी आंदोलन करने का इशारा भी उन्होंने दिया है। हे बघा, सध्या ओबीसींचं राजकीय आरक्षण हा विषय संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये फार चर्चेला जात आहे। आजपर्यंत आमच्या ओबीसींना संविधानिक 27% आरक्षण 1994 पासून राजकीय आरक्षण मिळत होतं। 4 मार्च 2021 सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार SC ST आणि ओबीसींचं एकूण मिळून आरक्षण 50%च्या वर देता येत नाही असा निर्णय आल्यामुळे आणि त्यांनी त्या टेस्ट सांगितल्यामुळे की बा डेडिकेटेड कमिशन इम्पेरिकल डाटा आणि पण तिसरी मर्यादा टाकली की एकूण आरक्षण 50%च्या वर जाता कामा नये। महाराष्ट्र शासनाने मला ज्या आयोगावरती काम करण्याची संधी दिली होती राज्य मागासवर्गीय आयोगावर, त्याला डेडिकेटेड कमिशन म्हणून महाराष्ट्र शासनाने ही जबाबदारी दिली। ही जबाबदारी मिळाल्यावर मी जेव्हा हा सर्व अभ्यास केला तेव्हा माझ्या लक्षामध्ये आलं की आयोगाने कितीही काम केलं, राज्य सरकारची कितीही इच्छा असली तरीसुद्धा राज्य सरकार किंवा राज्य मागासवर्गीय आयोग ओबीसींचा 27% आरक्षण देऊ शकत नाही। आणि ज्याकरता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ज्याचा मी अध्यक्ष आहे, मागील अनेक वर्षापासून सातत्याने संघर्ष करत आहो की आमचं 27% आरक्षण कायम राहावं, ते जर मी त्या आयोगावर राहून समाजाला देऊ शकत नसेल तर त्या आयोगावर राहण्याचा मला नैतिक अधिकार नाही आणि म्हणून मी या पदाचा राजीनामा देऊन आमचं जे 27% राजकीय आरक्षण आहे हे आरक्षण फक्त आणि फक्त केंद्र सरकार देऊ शकते, ते संविधानाच्या कलम 243D आणि T सबसेक्शन 6 अमेंडमेंट करून की ज्या सेक्शनप्रमाणे हे राजकीय आरक्षण ओबीसीला मिळालं आहे त्यामध्ये अमेंडमेंट करावी, 50% मर्यादा शिथिल करावी आणि येणाऱ्या जनगणनेमध्ये ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी। हे 3 मुद्दे घेऊन आम्ही आता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या माध्यमातून ओबीसीच्या संविधानिक अधिकारासाठी लढा देणार। त्याकरता येत्या 22 सप्टेंबरला आम्ही महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यातून जिल्हाधिकाऱ्याच्या मार्फत माननीय राष्ट्रपती, पंतप्रधान, सामाजिक न्यायमंत्री आणि इतर मंत्र्यांना निवेदन पाठवणार, 1 महिन्याची वेळ देणार आणि त्या 1 महिन्यामध्ये जर केंद्र सरकारने तशा प्रकारच्या दुरुस्ती केल्या नाही तर राज्यभर आणि देशभर आम्ही आंदोलन करणार आहे। विभिन्न शिक्षा पाठ्यक्रमों में ग्रामीण विभाग से नागपुर में आकर शिक्षा ले रहे छात्रों को अपनी शिक्षा पूरी करने में कठिनाइयां आ रही है। सरकार ने कोरोना के नाम पर सभी छात्रावास बंद कर दिए हैं मगर शिक्षा के पाठ्यक्रम शुरू होकर भी सरकार ने छात्रावास के ऊपर कोई निर्णय ना लेने की बात छात्र कर रहे हैं। आज सभी छात्रों ने मिलकर समाज कल्याण विभाग के आयुक्त को निवेदन दिया है और मांग की है कि सरकार छात्रों की सुविधा पर ध्यान दे। सर, मैं मनीष नगर वसतिगृहाचा विद्यार्थी आहे। आज आम्ही वसतिगृह चालू करणे बाबत ॲप्लिकेशन द्यायला आलो आणि यापूर्वीसुद्धा आम्ही खूप मागण्या केल्या। सर, 1.5 वर्ष झाले आमचे कोरोना सांगून वसतिगृह बंद करण्यात आले, 1.5 वर्षाचा कालावधी होऊन आम्हाला आजपर्यंत शासनाकडून कसलाही निधी ना देण्यात आला ना वसतिगृह ओपन करण्याची त्यांच्याकडून काही आम्हाला परवानगी नाही आली। सर, आज मी लास्ट इयर इंजिनिअरिंगचा विद्यार्थी, आम्हाला प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, इतर कोर्सेस करावे लागतात, त्या अन्यथा माझी एकदम म्हणजे मी डिस्ट्रॉय आहे। सर, लाईफ, इंजिनिअरिंगची लाईफ डिस्ट्रॉय आहे, काहीच नाही करू शकत। इंटर्नशिप प्रोजेक्टवर जर नाही केला आणि गावामध्ये सर अशी माझी परिस्थिती आहे आता की इंटरनेटची सुविधा अजिबात उपलब्ध नाही। सर, लायब्ररीचा तर नावच सोडा, सर वसतिगृहा थ्रू आम्हाला पुस्तकं मिळतात, लायब्ररी मिळते, स्टेशनरीचा खर्च मिळतो। सर, 1.5 वर्षात त्यांनी हा तरी आम्हाला प्रोव्हाइड करायला पाहिजे होता, त्यांनी आम्हाला एकही निधी नाही केला, जसे काय आम्ही त्यांच्या दूरचेच आहोत, आम्हाला एकदम दुर्लक्षित केलं आहे। सर, बरं, ह्या इतका मानसिक त्रास तुम्हाला झाला आहे, तुम्हाला एक विचारतोय, तुम्ही याच्यापूर्वी इथे आणखी निवेदन दिले आहेत का? सर, आम्ही खूपदा निवेदन दिले आहेत, आम्ही वार्डन सरांना सर्वात आधी निवेदन दिले, त्यानंतर समाज कल्याण कार्यालयाला 12 ऑगस्ट रोजी आम्ही सर्व वसतिगृहाचे मुले तेव्हा पण निवेदन दिले, पण यांच्याकडून आम्हाला आजपर्यंत वसतिगृह चालू होत आहेत बा असं काहीच सकारात्मक उत्तर नाही आहे। आता आम्ही त्या दिवशी जे संघटनेसोबत गेलो होतो त्या संघटने सत्ताधारी पक्षातले लोक होते, तसेच 3-4 लोक होते की ते आमच्यासोबत आले होते त्या दिवशी, परंतु त्यांना आम्हाला काय सांगितलं की सर तुमचं काम करतील, परंतु त्यांनी असं म्हटलं आम्ही न्यूजमध्ये देऊ शकत नाही कारण आम्ही सत्ता पक्षात बसलेलो आणि आमचाच मंत्री आज सामाजिक न्याय मंत्री आहे। मग याला ते काय महत्त्व देतात की विद्यार्थ्यांना महत्त्व देण्यापेक्षा ते पार्टीला महत्त्व देत आहे। आज खेमरा सरांना जसं सांगितलं की आमची गावातली परिस्थिती अशी आम्हाला वाचनालय मिळत नाही, सर वाचनालयामध्ये टेक्निकल पुस्तकं कुठून आणतील ते?
इंटर्नशिप करायची आहे तर ती इंटर्नशिप कुठून करू आम्ही? आमच्यासाठी काही ना काहीतरी पर्यायी व्यवस्था करायला पाहिजे होती. आमचा राहण्याचा खर्च द्यायला पाहिजे होता, आमचा जेवणाचा खर्च द्यायला पाहिजे होता. म्हणजे 1.5 वर्षापासून जे आमची एज्युकेशनपासून आम्ही दूर लोटले गेलेलो ते आज आमचं पूर्ण झालं असतं. सर, आम्ही आज 300 ते 500 मुलांचे सर्व वसतिगृह समाज कल्याणचे नागपूरचे सर्व गुगल फॉर्मची एक लिंक बनवली, सर्वांनी तिथं अपलोड केले. गणेश उत्सव के इस काल में कोरोना नियमों का पालन करते हुए सादगी से गणेश उत्सव मनाए जाने के निर्देश के अनुसार तहसील पुलिस और डॉक्टर ख्वाजा तत्वाधान में आरटीपीसीआर टेस्ट लेकर गणेश स्थापना का पर्व सामाजिक संदेश देते हुए मनाया गया. कोविड-19 के डायरेक्शन जो मार्गदर्शक शासन ने दिए है कि गणपति फेस्टिवल के दरमियान क्या करना चाहिए, तो उसमें ये भी है कि गणपति फेस्टिवल के दरमियान कोई कार्यक्रम मत करो, कोई सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम मत करके कुछ समाज प्रबोधन पे कार्रवाई करो. इसी अंतर्गत हमने तहसील पुलिस स्टेशन और NMC के डॉक्टर खाजा इनके संयुक्त विद्यमान से आज गणपति के तहसील पुलिस स्टेशन प्रतिष्ठापना के उपलक्ष्य पे हमने RT-PCR टेस्ट कर रहे हैं. यहाँ RT-PCR टेस्ट करने के लिए डॉक्टर खाजा NMC के जो डॉक्टर वैद्य अधिकारी उनकी टीम है और करीब मेरे 100 से 150 कर्मचारी इस RT-PCR टेस्ट का फायदा लेंगे. और एक समाज के लिए अच्छा उदाहरण है कि गणपति के इस 10 दिन में हमने जो भी कुछ सामाजिक कार्यक्रम यहाँ लिए हैं वो एक तो शैक्षणिक स्तर पे है और एक सामाजिक बांधिले के रखते हुए कार्यक्रम किए हैं. आज का RT-PCR टेस्ट भी इसी का एक उदाहरण है. सर, जिस प्रकार क्या मैसेज देंगे? आज तक कोरोना की 2 लाख चली गई और 3 लाख को अगर अपने को प्रिवेंट करना है तो अपने को जो भी गवर्नमेंट ने, जो भी प्रशासन ने, जो भी शासन ने डायरेक्शन दिए वो फॉलो करना चाहिए. किसी को सिम्टम्स लगते तुरंत उन्होंने NMC अप्रोच होना चाहिए, वहाँ अपने टेस्ट करवाना चाहिए और तुरंत उसका उपचार करें तो अपने कोरोना की 3 लाख को पक्का प्रतिबंध कर सकते हैं. आप देख रहे थे महाराष्ट्र TV 24. नमस्कार. ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है. ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है. मजदूर का हो या डॉक्टर का, हाथ तो धोना पड़ेगा ना. मम्मा, साबुन से नहीं. हैंड नेचर ग्रीन का हैंड वॉश, ये मारे हाथों के जम्स करता है प्रोटेक्ट. ये हैंड नेचर ग्रीन का हैंड वॉश, ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप और स्टॉकिस्ट के लिए संपर्क करें 800-700-6520. एकदंत वक्रतुंड लंबोदर विनायक गजानन, ऐसे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत और हम सभी के लाडले बाप्पा गणपति बाप्पा हो रहे हैं विराजमान. अगर आप भी अपने घर, मंडल और सोसाइटी में करते हो बाप्पा की स्थापना तो महाराष्ट्र TV 24 से करें संपर्क. हम आएंगे आपके सोसाइटी, मंडल या घर और दिखाएंगे आपके मंडल और बाप्पा की विशेषताएं. नियमों का पालन कर होगी मस्ती मजा के साथ बाप्पा की भक्ति तो राह किस बात की देख रहे हो. रजिस्टर करें अपना मंडल, सोसाइटी या फिर अपना नाम. संपर्क करें 712-255-2656 या 9225-22-5154 पर और मनाइए गणेश उत्सव महाराष्ट्र TV 24 के साथ.